मंत्र है विसर्ग संधि। परिभाषा क्या है? विसर्ग का स्वर या मेल व्यंजन से मेल होने पर जो विसर्ग का परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। क्या होता लिख लो? विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही या उस परिवर्तन को ही विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार पुनः सुन लो। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उस परिवर्तन या विकार को ही विसर्ग संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं, वो नियम आज हम पढ़ते हैं। नियम नंबर एक, क्या है? विसर्ग का ओ होना। अब देखो क्या कब होता है विसर्ग का ओ? आग देखो अ या आ हो उसके बाद विसर्ग हो, मतलब विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद घोष वर्ण, घोष वर्ण, घोष वर्ण में क्या क्या आ जाता है? वर्ग का, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये या कोई स्वर हो। तो विसर्ग किसमें बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। वापस चेक कर लो, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण हो, घोष वर्ण का मतलब है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या यह रह ल या कोई सा भी स्वर हो, तो विसर्ग किसे बदलेगा? ओ में। जैसे उदाहरण लेते हैं, मने प्लस जेड, देखो इधर यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले ने में क्या आया? अ, और इधर आया जेड, जे तीसरा वर्ण है चय वर्ग का, तो विसर्ग किसमें बदल गया? ओ में। तो क्या बन जाएगा? मनोज। वैसे तो विसर्ग संस्कृत के नियम के हिसाब से तो ओ में बदलता है और अ उ मिलकर के ओ बन जाता है, तो मैंने हिंदी में यहाँ डायरेक्ट ओ कर दिया, मनोज बन गया। इसी तरह यश प्लस धरा क्या बना? यशो धरा। इसी तरह पय प्लस द पयोध
प्लस जे सरे प्लस जे क्या बना सरोज। इसी तरह सरे प्लस वर क्या बनेगा सरोवर। अधय प्लस गति अधय धन गति अधो गति अधय प्लस गति अधो गति। और कई शब्द हैं ऐसे जैसे और एक शब्द ले लेते हैं सिर प्लस भार्य क्या हो जाएगा सिरो भार्य। ये तो था रूल नंबर एक या नियम नंबर एक क्या था विसर्ग का ओ होना कब होता है यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण अर्थात वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन यरल हुआ उष्म है और कोई सा भी स्वर हो तब विसर्ग का ओ हो जाता है। रूल नंबर दो पढ़ते हैं नियम नंबर दो क्या है विसर्ग का र होना विसर्ग का र होना कब होता है विसर्ग का र वो देखो ई छोटा हो या बड़ा उ छोटा या बड़ा दोनों तरह के हो सकते हैं। उसके बाद क्या आए विसर्ग फिर घोष वर्ण वही तीसरा चौथा पांचवा ये रे ले वे हर या कोई सा भी स्वर तो विसर्ग किसमें बदलेगा रे में विसर्ग किसमें बदल जाएगा रे में। जैसे नी धन धन क्या बनेगा शब्द देखो इधर विसर्ग है विसर्ग से पहले ई आया छोटा ई और उसके बाद ध आया तथ ध चौथा वर्ण आया तो क्या बना विसर्ग किसमें बदला रे में शब्द बना जाता है निर्धन। इसी तरह वही प्लस दर्शन वही दर्शन क्या बनेगा वही दर्शन वही प्लस दर्शन वही दर्शन। और देखो सब दू प्लस दिन दू प्लस दिन क्या बनेगा दुर्दिन बुरे दिन। इसी तरह नी प्लस उपाय नी विसर्ग उपाय क्या बना जाकर अब यहाँ विसर्ग का तो रह बना वो इसमें लगते ही पूरा हो गया निरुपाय। और शब्द देखो नी प्लस अंतर नी प्लस अंतर क्या शब्द बनेगा जाकर
निरंतर। और सोचो शब्द। दू प्लस अवस्था बन जाएगा दू प्लस अवस्था, क्या बनेगा शब्द? दुर्वस्था। शायद अब समझ में आ गया होगा। विसर्ग का रे कब बनता है? यदि विसर्ग से पहले ई या बड़ी उ अथवा बड़ा उ हो और उसके बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। ठीक, अब लेते हैं नियम नंबर 3। यही चलने दो, विसर्ग का रह होना। कैसे कब होता है विसर्ग का रह? अभी एक नियम तो पढ़ा, विसर्ग का रह का ही तीसरा नियम है, यदि अंत पुरे अंत पुरे प्रातः शब्द के बाद कोई घोष वर्ण हो, कोई घोष वर्ण हो, क्या हो? घोष वर्ण, तो विसर्ग का है जैसे अंत आत्मा। क्या बन जाएगा? अंतर आत्मा, अंत प्लस आत्मा अंतरात्मा, अंत प्लस जातीय अंत प्लस जातीय, क्या बन जाएगा? अंतर और रे का चढ़ा देंगे अंतर जातीय। इस तरह और देखो शब्द है अंत प्लस अंग, अंत अंग, क्या बनेगा शब्द? अंतरंग, अंत प्लस अंग अंतरंग। इसी तरह अंत प्लस मन अंत मन, क्या बनेगा शब्द? अंतर मन, अंतर मन। पूरे के भी ले लेते हैं, जैसे शब्द पुनः है पुरे नहीं सॉरी पुनः प्लस उत्थान, पुनः प्लस उत्थान, क्या हो जाएगा? पुनरुत्थान। और शब्द देखो पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, क्या बना? पुनर्जन्म। यह था विसर्ग का रह होना। अब
अगला रूल लेते हैं विसर्ग का स होना। विसर्ग का स होना। अब इसके लिए क्या है नियम, इसका देखो, ई या बड़ी हो अथवा उ हो या बड़ा हो, उसके बाद क्या हो विसर्ग। और इधर क ख या प ह हो तो विसर्ग का स होता है, विसर्ग का स होता है। उदाहरण लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा कि यदि विसर्ग से पहले ई ई ओ ओ हो और विसर्ग के बाद क ख प ख हो, कोई सा भी एक वर्ण हो इनमें से, तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे दू धन परिणाम, क्या बनेगा दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। और देखो नी धन पाप, क्या बनेगा निष्पाप। इसी तरह नी फल, क्या बन जाएगा निष्फल। निष्फल और सोचो शब्द, नी प्लस क्रमण, नी प्लस क्रमण का बन जाएगा निष्क्रमण। तो ये तो था रूल नंबर चार, क्या था, यदि विसर्ग से पहले ई ई उ उ हो और विसर्ग के बाद क ख या प ख हो तो विसर्ग किसमें बदल जाता है, स षट्गुण वाले में बदल जाता है। अब पढ़ते हैं विसर्ग का, विसर्ग का विसर्ग ही रहना, रूल नंबर 5। विसर्ग का विसर्ग ही रहना, कब रहता है विसर्ग का विसर्ग, देखो यदि विसर्ग से पहले रूल नंबर 5 क्या विसर्ग का विसर्ग, विसर्ग का विसर्ग ही रहना, क्या होता है इसमें, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, क्या हो विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद क ख या प ह में से कोई सा भी वर्ण हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, इसका क्या रह जाएगा विसर्ग। उदाहरण लेते हैं प्रातः प्लस का, देखो इधर विसर्ग से पहले त में अ है और पीछे क्या आ गया का आ गया, तो क्या हो जाएगा ये रह जाएगा,
इसी तरह पय प्लस पान क्या हो जाएगा, पय पान। और देखो उदाहरण, अंतह प्लस और, अंतह प्लस और क्या हो जाएगा, अंतह और, अंतह प्लस करण, अंतह क्या हो जाएगा, अंतह करण। यदि ये रहेगा, ये तो था नियम नंबर पांच, क्या था, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद क्या हो, क ख या प ख हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। अब पढ़ते हैं नियम नंबर छः, नियम नंबर छः, क्या है नियम नंबर छः, निसर्ग संधि चल रही थी, विसर्ग का स या स या स होना, विसर्ग का स या स होना, क्रम से करना चाहो तो क्रम से ले लो, तो क्रम में क्या आ जाएगा, सबसे पहले कौन सा आता है, स या स। अब देखो इसमें तीन नियम बना सकते हो तुम, कौन कौन से, कोई सा भी स्वर हो आगे उसके बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद स या च या छ हो, तो विसर्ग किसमें रहेगा, स में बदल जाएगा। अब देखो उदाहरण लेते हैं, नी पहले इसके एक एक करके पढ़ लेते हैं, प्लस सुल क्या बन जाएगा, निश सुल। इसी तरह नी प्लस चल क्या बन जाएगा, निश्चल। नी प्लस फल क्या बनेगा, निष्फल। और देव सोचो, मन है प्लस चिकित्सा, मन है प्लस चिकित्सा क्या बनेगा, जाकर मनस चिकित्सा। और सोचो, अंत है प्लस चेतना, अंत है प्लस चेतना क्या बन जाएगा, अंतस्थ चेतना, अंतस्थ चेतना। दो प्लस शासन, दो प्लस शासन तो क्या बन गया, दूसर शासन। ये तो रूल नंबर छः का पहला था, अब रूल नंबर इसको पढ़ते हैं, सर होना तो थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें क्या जाएगा, स या क या छ। सेकेंड नियम है इसका छठे का। अब देखो, विसर्ग से पहले स्वर हो, विसर्ग के बाद स या क ठ हो तो विसर्ग भी इसमें बदल जाएगा, स षटकोण वाले में बदल जाएगा। जैसे राम प्लस षष्ठ
षष्ट क्या बना रामस्त। संस्कृत में इस संधि को षटत्व संधि कहते हैं। सूत्र क्या उसका स्तो शटुना शिष्टु, परंतु अपन संस्कृत नहीं हिंदी पढ़ रहे हैं। और देखो धनु प्लस टंकार क्या बन जाएगा धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, नी प्लस छोर क्या बन जाएगा शब्द निश छोर। तो सभी समझ में आ गया ये। अब लेते हैं तीसरा वाला से, छठे का तीसरा नियम बनाते हैं। ये वाला लेती है सर स्वर, स्वर के बाद क्या हो विसर्ग हो, उसके बाद स हो या त या त हो, विसर्ग भी स में बदल जाता है। जैसे नी धन संदेह तो क्या बना निश संदेह है, और नमः प्लस ते नमस ते नमः प्लस ते नमस्ते। इसी तरह दू प्लस साहस, दुहु प्लस साहस क्या बन जाएगा शब्द दुस्साहस, दू प्लस साहस दुस्साहस। ये तो था विसर्ग का स होना। अब लेते हैं विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का लोप होना रूल नंबर सात। पहला नियम क्या है, यदि विसर्ग से पहले क्या हो ह्रस्व, यदि विसर्ग से पहले ये ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर के बाद क्या है विसर्ग और पीछे क्या है र, तो विसर्ग का लोप और इस ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। देखो कैसे नी प्लस रो या विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर ई आया और इस विसर्ग के बाद क्या आया र, तो विसर्ग का तो लोप हो गया और ये क्या हो जाएगा दी क्या बना नी रोग। इसी तरह नी प्लस रस क्या बना नीरस, अंत है प्लस राष्ट्रीय क्या बना अंता राष्ट्रीय। शुद्ध अशुद्ध पूछे तो यह वाला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सही होता है, एक बार एग्जाम में आया था आरएएस एग्जाम में। और देखो नीरस नीरोग नीरव
नी प्लस रव क्या बना नीरव। इसी तरह दो प्लस राज क्या बन जाएगा दूराज। ये तो था कप। देखो विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो विसर्ग के बाद रह हो तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और विसर्ग से पहले वाला जो स्वर है वह दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। अब विसर्ग लोप का ही दूसरा नियम है। क्या नियम है देखो सेकेंड नियम है विसर्ग लोप का है यह आ हो के बाद विसर्ग आए और इधर या आ से भिन्न स्वर। तो विसर्ग का लोप जैसे अतः प्लस एक क्या बन जाएगा देखो विसर्ग से पहले आ गया ये वाला हो गया और विसर्ग के बाद ऐसे भिन्न स्वर ए आएगा तो विसर्ग लोप हो जाएगा अत्येव क्या बन जाएगा अत्येव। और सोचो अये इच्छा तो क्या बन जाएगा पय इच्छा। जो कि विसर्ग लोप संधि। अब अगली संधि पढ़ते हैं। अगला नियम नियम नंबर 8 क्या सीधा सा नियम है तेरह पोर नम तेरह पोर नम भा श्रेय के बाद क्या जाए कैसे कल आ जाए तो इनकी विसर्ग का सह होता है जैसे तिरह प्लस का क्या बन गया तिरस का। इसी तरह पूरे प्लस का क्या बनिया पुरस का। इसी तरह नमय प्लस का नमस का भा प्लस कर क्या बना भास से प्लस कर क्या बना श्रेष कर। ये तो थी विसर्ग संधि। आज का मेरा वीडियो शायद अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। Thank you.